नमस्कार जी नमस्कार भाई जी आपका शुभ नाम अमिता गुज्जर जी आप कहाँ से आए हैं जी हम देसाड़ा शामली यूपी से आए हैं आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले किसकी भक्ति करते थे जी हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे और हमने एक गुरु भी बनाया था जी आपने कितने साल तक देवी देवताओं की भक्ति की हम थोड़े बड़े हुए तो जब से हम भगवानों की भक्ति करने लगे जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने गुरु बनाया था तो जी आपने किसको और कहाँ से गुरु बनाया था हमने गुरु बनाए थे उनका नाम हरे राम था और वे ब्रह्मपुरी में रहते हैं हमारे इतने दुख थे घर में शरीर में यहां के हमारे जो ससुर थे उनको कैंसर था जब उन्हें कैंसर था तो हम उन्हें भी सभी जगह ले गए मेरे भी एक पैर में सात साल से इतना दर्द था कि वो अचानक काम करना बंद कर देता था फिर हम जब वहाँ गए तो उन्होंने हमने हमें मंत्र जाप दिए हमने वो भी बहुत करे जो कुछ भी उन्होंने बताया हमने सब करे पर हमें कोई भी सुख मिला ही नहीं दुख के सिवाय फिर हम हमने पूछा उनसे कि हम इतने दुखी क्यों हैं कहने गए तो आपके पिछले कर्म हैं अब ये पिछले कर्म के कारण आपको इतना दुख मिल रहा है फिर हम जी हम भक्ति नहीं करेंगे ये फिर उन्होंने कहा अब देख लो भाई ये तो करनी तो पड़ेगी एक तो मुझे पित्त की थैली में पथरी थी और एक मेरा पैर जो है वो यही नहीं पता था कि वो उसमें इतना दर्द था और यही नहीं पता था कि वो कब काम करना बंद कर दे और मैं तभी गिर जाती थी वहीं और जो मेरे दो लड़कियां हैं और एक लड़का है जो मेरी बड़ी लड़की है उसे कभी सिर में दर्द कभी हाथों में दर्द कभी पैरों में दर्द और एक सर वो जो हम उसे कहीं भी ले जाते तो उसे है ना गाड़ी में बैठाते उसे इतनी उल्टियाँ होती थी कि वो बेहोश हो जाती थी और जो मेरी छोटी लड़की है सर्दी शुरू होती वो बीमार होने लगती उसे बुखार और उसे नमूनिया पड़ता था बहुत ज़्यादा सांस नहीं आता था तो हम सारी रात ऐसे ही बैठे रहते थे जो उनके बाबा जी वो पूछते भाई देख लो इसका मुंह खोल के थोड़ी शांत होती ही कभी ये मर न गई हो देख लो इसका मुंह खोल के और जो मेरे पति हैं वो बीड़ी पीते थे जो मेरी जो सास थी ना जी वो तीस साल से राधा स्वामी पंथ में जुड़ी हुई थी और वो भी वहाँ जुड़ने के बाद भी इतनी बीमार इतनी बीमार बहुत ज़्यादा बीमार उन्हें रसोड़ी थी और एक जो उनके हाथ पैर थे जी बारह पूरे महीने बारह महीने हाथ पैर अगर कुछ भी काम कर देती तो हाथ पैरों से खून निकालना शुरू हो जाता था वे इतनी बीमार रहती थी कुछ भी नहीं कर सकती थी जी खाया खाना भी नहीं खाया जाता था जी अपने हाथों से उन्हें जी आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए जी हम सभी टीवी देख रहे थे तो बच्चों ने चैनल बदला और वो चैनल साधना चैनल पे लगा तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चला हुआ था तो वहाँ हमने देखा तो वे राधा स्वामी वालों के बारे में बता रहे थे तो हमारे जो सास हैं वो राधा स्वामी से जुड़ी थी तीस साल से और वो भी इतनी दुखी थी बहुत ज़्यादा उनकी छाती में भी बहुत दर्द और उन्हें रसोली भी थी तो जब वे बता रहे थे देखो तो एक बार ये क्या बता रहे हैं कहने के नहीं मैं नहीं सुनूंगी ये तो पता नहीं क्या बता रहे हैं फिर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग ख़त्म हो गया तो फिर हम अगले दिन फिर देखने के लिए बैठे थे वहाँ जी सत्संग चलेगा अब फिर हमने तो नहीं सुना तो इनके जो हमारे जो ससुर हैं उनके छोटे भाई हैं वे सुनने लगे तो तब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग तीन घंटे का आता था 2013 में तो जब वे सत्संग सुनने लगे वे बताते अगर भाई ये तो सत संत हैं जो वे इतनी अच्छी बात बताते हैं तुम सुना करो कर जी आप सुन लो वही बते बहुत है आप जाओगे तो हम भी चले जाएंगे वहाँ हमें ये नहीं पता था कि जिस संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जाने से दुख भी ठीक होते हैं जी हम तो गुरु बनाए थे वहाँ से तो कुछ वो नहीं आप वहाँ कहोगे आप हम वहाँ भी चले जाएँगे मैंने कहा मुकर जी वे बताते कि भाई भक्ति करने थे ना वहां इतना लाभ होता है तो मुंकर जी मुझे भी लेके चलो तो इसी बीच मुझे पथरी का दर्द हुआ जो मेरी की थैली में पथरी थी मेरी इतनी हालत खराब हो गई कि मुझे करनाल भर्ती पर करना पड़ा करनाल भर्ती करा तो वहां मेरा ऑपरेशन कि भाई तुरंत ही ऑपरेशन करना इसका तो क्या फिर उन्होंने ऑपरेशन कर दिया तो मैं संत रामपाल जी महाराज को ना मुझे तो नाम कभी नहीं पता था जब तक तो उन्होंने ही बताया बस इन संत रामपाल जी महाराज की शक्ल देखती और कहती है भगवान आप ही हमारे भगवान हो हमने तो है ना आप ही की भक्ति करनी बस समझा और किसी की भक्ति करनी नहीं बहन जी आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में फिर कैसे गए वहाँ से जी हम मैंने कहा अपनी सास से कि मुझे भी जाना है कहने के चलो भाई तम भी चलो हमने तो सारा परिवार मैंने भगत जी से कहा तो भगत जी कहने के नहीं मुझे तो जाना नहीं जी मैं तो इतनी बीमार हूँ और फिर भी आप चल रहे कहना के नहीं आपने तो पता है मैं बीड़ी पीता हूँ वहाँ बीड़ी नहीं पीते जी नहीं परमात्मा मतलब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना करो और आप चलो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं चलूँगा जब आपने कहा तो मैं चलूँगा तो वे गए हमने नाम लिया नाम ले हम घर आए बच्चे भी थे मेरे साथ मेरी लड़कियाँ थी तो उन्होंने भी नाम लिया और हम घर आ गए हमने भक्ति करी जो हमें नाम जाप दिए थे संत रामपाल जी महाराज ने तो बहन जी अभी आपने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए कुछ नियमों का जिक्र किया था कि वो नियम बताते हैं वो क्या नियम है सर हम ही कहते हैं कि ये नियम है पर ये नियम नहीं है ये तो समाज सुधारने के लिए बताते हैं संत रामपाल जी महाराज कि भाई दहेज नहीं लेना दहेज नहीं देना ना रिश्वत लेनी ना देनी है ना ताश खेलने हैं ना कोई नशा करना है ना जुआ खेलना है नशा करना तो दूर हमने छूना भी नहीं है ये तो काम है जो सरकार को करना चाहिए जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं बहन जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जुड़ने के बाद हमें एक तो सच्ची भक्ति का पता चला कि सच्ची भक्ति क्या है और सब कहते हैं कि परमात्मा तो एक है भगवान तो एक है पर वह है कौन सा ये तो किसी ने नहीं बताया और संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि कबीर परमात्मा है जो वेदों में प्रमाण है इनका कि कबीर साहिब ही भगवान है वो उन्हीं की भक्ति बताते हैं जी और आपको क्या लाभ प्राप्त हुए जी एक तो मेरे जो पित्त की थैली में पथरी थी मैं उससे ठीक हुई मुझे बुखार भी रहता था मैं उससे भी ठीक हुई और जो मेरे पैर में दर्द रहता था वो मेरा पैर का दर्द बिल्कुल एक महीने में ही ऐसा ठीक हो गया कि जी मैं काम नहीं करती थी भाई जैसे पोचा लगाना झाड़ू लगाना ये कपड़े धोने ये काम मेरे से बिल्कुल नहीं होते थे जो मेरी बहन है और दो है वो करती थी सारा काम मैं तो बस खाना बनाती थी और आज मैं सारा काम कर सकती हूँ अब बिल्कुल मेरा पैर ठीक है और जो मेरी लड़की है उन्होंने गुरु जी से कहा गुरु, गुरु जी मुझे तो पैरों में दर्द और सिर में दर्द और उल्टियाँ होती हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटे परमात्मा की भक्ति करो सब ठीक होगा उस दिन से जी चार साल हो गए आज तक उसको हम कहीं भी ले जाएं उसको ना तो उल्टी होती ना पैरों में दर्द होता कुछ नहीं होता जो छोटी लड़की है उसे इतना नमूने होता कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद उसका बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक है और जो मेरे पति हैं वो बीड़ी पीते थे वो भी अब ठीक हैं बिल्कुल और हम सभी परिवार परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लगे हुए हैं जो मेरे साथ हैं जी वो संत तो रामपाल जी की महाराज की शरण में जब आई तो उनकी रसोली थी वो भी ठीक हो गई और जो हाथ पैर खराब रहते थे वो भी बिल्कुल ठीक है राधा स्वामी पंथ में जुड़ने के तीस साल तक जुड़ने के बाद भी उन्हें ये बीमारी लगी रही वहाँ जाकर ठीक नहीं और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाने से सब ठीक हो गए बहन जी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जैसे अभी आपने बताया कि आपको बीमारी थी वो बिल्कुल ठीक हो गई तो आप जन समुदाय को क्या बताना चाहेंगे क्या संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद उनकी भी बीमारी खत्म हो सकती है हाँ जी सबकी बीमारी खत्म हो सकती है जैसे मेरी बीमारी खत्म हुई सबकी बीमारी खत्म होगी पर जो नियम बताते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज उनके नियमों में रहकर और मंत्रों का जाप कर कर सभी सुखी हो सकते हैं आम धारणा लोगों की ये है कि गुरु बदलने से पाप लगता है तो आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए ये कहाँ तक सही है नहीं जी ये बिल्कुल गलत धारणा है जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं और उसकी दवाई लेते हैं फ्रेज भी करते हैं फिर भी हमें आराम नहीं होता हम दूसरे डॉक्टर के पास जा सकते हैं ये कोई ऐसा नहीं कि नहीं हमने तो यहीं रहना यहीं नहीं से ही आराम होगा जब आराम नहीं हो रहा है तो हमने तो दूसरा डॉक्टर ज़रूर बदलना और उसके वहाँ जाते ही हमें आराम मिलेगा तो हमने तो दूसरे डॉक्टर तो 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 की सोचना भी नहीं कही हमने तो उसी से इलाज करवाना अपना बहन जी संसार में गुरु तो बहुत हैं लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु क्यों चुना हमने संत रामपाल जी महाराज को इसलिए गुरु चुना कि वे शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं वे प्रमाण सहित भक्ति बताते हैं वे बताते हैं कि इसमें गीता जी में भी लिखा है भाई वे वेदों में भी लिखा है जो भक्ति करेंगे शास्त्र अनुकूल भक्ति करेंगे उसे लाभ होगा और जो होर धर्मगुरु हैं उनके पास ऐसी ये भक्ति नहीं है वे तो अपना मनमुखी साधना बताते हैं ये जो वेदों से और गीता जी से मेल नहीं खाते बहन जी संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में हैं तो उनसे यदि कोई जुड़ना चाहे उनका नाम उपदेश लेना चाहे संत रामपाल जी महाराज का तो कैसे जुड़ सकता है जो सत्संग आता है साधना चैनल पर या और अन्य चैनलों पर तो उसमें पट्टी आती है नीचे उस पर फ़ोन नंबर लिखे होते हैं आप जब उस नंबर पर फोन करेंगे तो आपको बताएंगे कि पूरे विश्व में और जो भारत देश है हमारा उसमें जगह जगह सभी उस जिलों में नामदान सेंटर खोले गए हैं आप जिस ज़िले के पास में हो आपको बता दिया जाएगा कि आप वहाँ से जाके नाम दीक्षा ले लो और अपना कल्याण करवा लो बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या कोई पैसा भी लगता है नहीं जी ये तो बिल्कुल गलत बात है नहीं संत रामपाल जी महाराज तो दुख लेते हैं पैसे नहीं लेते वे तो दुख लेते हैं हमें सुख देते हैं ऐसा कुछ नहीं है ये तो मीडिया वालों ने झूठा प्रचार करा हुआ कि वहाँ जाकर जो दीक्षा देते हैं संत रामपाल जी महाराज वहाँ पैसे लगते हैं वहाँ कोई पैसा नहीं लगता धन्यवाद बहन जी